Hello students, how are you? She is Agrani from 6A and she will tell you the summary about a teacher for all season. So let's watch what she is going to tell. A teacher for all seasons. This poem is written by Jonah Fuchs. We know that four seasons are spring, autumn, winter and summer. In this poem, we will compare teacher with all these four seasons. Let's start. A teacher is like spring, who nurtures new green sprouts. Yeah, new green sprouts ka matlab hai students. Ek teacher spring ki tarah hai, jo students ko develop karne mein help karta hai. Encourage and leads them whenever they have doubts. जब उनके पास डाउट्स होते तब उनको एनकरेज करता है और सही पाथ पे चलने के लिए लीड करता है। स्प्रिंग सीजन एक स्प्राउट के लिए वो सारे नरिशमेंट उसको देता है जो उनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही टीचर भी हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं और लीड करते हैं जब उनके पास डाउट होते हैं। अ टीचर इज लाइक समर हुज सनी टेम्परमेंट मेक्स स्टडीइंग अ प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। A teacher is like summer. एक टीचर समर की तरह है, उस सनी टेम्परमेंट जिसका सनी नेचर, यहाँ सनी सनी का मतलब है जैसे गर्मियों में सन अपनी पूरी एनर्जी हमें दे देता है और हमें वार्म रखता है, वैसे ही टीचर भी अपनी पूरी एनर्जी से हमें पढ़ाते हैं। मेक स्टडिंग अ प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट, यहाँ डिसकंटेंट का मतलब है अनहैप्पी फीलिंग, अनहैप्पी फीलिंग को प्रिवेंट करते हैं और स्टडी को एक प्लेजर बना देते हैं। जैसे गर्मियों में समर अपनी पूरी एनर्जी लगा के हमें देता है और हमें वार्म रखता है, वैसे भी टीचर अपनी पूरी एनर्जी से हमें पढ़ाते हैं और स्टडी को एक प्लेजर बना देते हैं और हमारी अनहैप्पी फीलिंग को प्रिवेंट करते हैं। थैंक यू। Now Devik Dalal from 6A will continue the summary. Good morning to all the teachers and all my dear friends. Today I am explaining the summary of chapter number 4. The name of the chapter is The Teacher of All Seasons. A teacher is like fall with method crisp and clear. Iska matlab hai ki ek teacher monsoon ke season ki tarah hota hai, जो पूरी मेहनत करता है ताकि चैप्टर हमारी समझ में आ जाए। अ टीचर इज लाइक विंटर व्हाइल स्नोइंग हार्ड आउटसाइड कीप स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड। एक टीचर जो है वो ठंड के मौसम की तरह होता है, जैसे कि बाहर बहुत तेज ठंड हो रही है और बर्फ भी पड़ रही है तो हमें घर में गर्मी पसंद है, इसीलिए वो टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं ताकि हमें चैप्टर समझ में आ जाए। टीचर्स यू डू ऑल दिस थिंग्स विद अ प्लेजेंट एटीट्यूड। टीचर्स आप ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। You are a teacher of all seasons and you have my gratitude. आप यानी कि सभी टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स ऑफ ऑल सीजन्स होते हैं और मेरा धन्यवाद है उन सबके साथ है।